फिफ्टीन पॉइंट फ़ोर डैटज ट्रांसफ़र ऑफ़ चार्जेस के बारे में हमें पढ़ना है हमें देखना है कि जो चार्ज है ये बच्चों ये ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है उसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है डैटज़ फ़िफ्टीन पॉइंट फो टेक एन एम टी जैम बॉटल आपको क्या लेना है एक जैम का बॉटल होता है ना खाली जैम बॉटल आप उस ले लीजिए टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज है अ माउथ ऑफ अ बॉटल ये जो माउथ ऑफ बॉटल है उससे थोड़ा बड़ा क्या लेना है आपको कोई कार्डबोर्ड ले लेना है प्योर्स अ होल इन इट सो डैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड एक आपको क्या करना है उसमें होल बनाना है सो so डैट एक पेपर क्लिप उसमें इंसर्ट कर सको ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर फिफ्टीन पॉइंट फोर और पेपर क्लिप को क्या करना है आपको ओपन कर देना है जैसे फिगर में दे रखा है फिफ्टीन पॉइंट फोर में ये दिख रहा है पेपर क्लिप ये ओपन है आप कह रहे हैं कट टू स्ट्रिप्स ऑफ द एल्यूमिनियम फॉयल दो पार्ट में आप डिवाइड करिए अबाउट फोर सेंटीमीटर इंटू वन सेंटीमीटर ईच दो स्ट्रिप लेनी है डेट इज फोर सेंटीमीटर एंड वन सेंटीमीटर ईच लेना है हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर और दोनों को क्या करना है हैंग कर देना है जैसे यहाँ पे कर रखा है इंसर्ट द पेपर क्लिप इन अ कार्डबोर्ड लीड सो डैट इट इज़ पर्पेंडिकुलर टू इट और क्या करना है इसमें जो कार्डबोर्ड के अंदर क्या इंसर्ट करना है पेपर क्लिप को इंसर्ट करना है जैसे फिगर फिफ्टीन पॉइंट फोटीन में काफ़ी ईजी है फिगर देख के आपको सब कुछ समझ में आ रहा है चार्ज रिफ़िल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप क्या करने के लिए बोल रहे हैं रिफ़िल को चार्ज करना है और किस से टच करना है विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप ये देखिए रिफ़िल दिख रहा है एंड ऑफ द पेपर क्लिप को चार्ज करना है और टच करना है नेक्स्ट ऑब्जर्व वॉट हैपन क्या होगा जब आप टच करोगे रिफिल को अ पेपर क्लिप सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे इज़ देर एनी इफेक्ट ऑन द फॉयल स्ट्रिप क्या जो ये फॉल स्ट्रिप आपने एल्यूमिनियम फॉल स्ट्रिप लिया है जिसका साइज है फोर सेंटीमीटर इंटू वन सेंटीमीटर ईच उसमें क्या, क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं डू दे रिपल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर अब ये जो फॉयल है ये क्या हो रहा है रिपल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहे है ये पहला क्वेश्चन है कह रहा है नाउ टच द अदर चार्जेज बॉडी विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप अब आप बाकी चार्ज बॉडी को टच करना है कहाँ पे एंड ऑफ द पेपर क्लिप पे डू फॉयल स्ट्रिप बिहेव इन द सेम वे इन ऑल द केसेस क्या हर केसेज में जो फॉल है एल्यूमिनियम फॉल है वो सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं कैन दिस अपेराटिस बी यूज टू डिटेक्ट विदर अव बॉडी इस चार्जर नॉट और कह रहे हैं कि क्या ये अपेराटिस ये डिसाइड कर सकता है मीन्स डिटेक्ट कर सकता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इन सब के क्वेश्चन के आंसर हमें यहाँ मिलेंगे नेक्स्ट कह रहा है कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉयल स्ट्रिप रिपेल ईच अदर तो हमें ये तो पता लग गया है जब आप टच कराओगे रिफिल को चार्ज रिफिल को इस पेपर क्लिप से टच कराओगे तो क्या होगा ये जो स्ट्रिप है डैट इज़ एलिमिनियम स्ट्रिप ये क्या होगा रिपेल करेगा ईच अदर तो ऐसा क्यों हो रहा है द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप अब क्या हो रहा है जो चार्ज रिफिल में सेम चार्ज कहाँ आ रहा है पेपर क्लिप के थ्रू एल्यूमिनियम फॉयल में आ रहा है डैट इज कैरियर रिम्बर डैट अ मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें पता ही के metals के है कि मेटल्स क्या है बच्चों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द स्ट्रिप्स कैरिंग द सिमिलर चार्ज और स्ट्रिप क्या कैरी कर रहे हैं सिमिलर चार्ज अब चार्ज सिमिलर होगा तो क्या होगा बच्चों रिपेल करेगा वो सो so, क्या होगा रिपल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन और ये क्या हो जाएगा वाइड हो जाएगा मीन्स एक स्ट्रिप इधर जाएगी तो एक स्ट्रिप इधर जाएगी बिकॉज ऑफ द सेम चार्जेज दे रिपल इच अदर सच डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट विदर द ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अ चार्ज एंड नॉट तो ये डिवाइस से आप पता कर सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है उसमें चार्ज है या नहीं इट मीन्स वो चार्ज कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है दिस डिवाइस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप तो इस डिवाइस को क्या बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है आप बता दोगे इलेक्ट्रोस्कोप क्या है और किस चीज़ में डिटेक्ट करता है ये दस वी फाइंड एट द इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द एनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर इट मीन्स हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो क्या है चार्ज है इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से चार्ज ऑब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट कैसे थ्रू अ मेटल कंडक्टर ये देख रहे हो मेटल कंडक्टर के थ्रू चार्ज हो रहा है मीन्स जो रिफिल थी वो चार्ज थी और एल्यूमिनियम फॉल था वो चार्ज नहीं था सो थ्रू अ मेटल ये क्या हो गया चार्ज हो गया टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली अब आप टच करिए पेपर क्लिप के एंड को जेंटली विद द हैंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉल्ट स्ट्रिप आपको कुछ चेंजेस देखेंगे फॉल्स स्ट्रिप में क्या होगा दे कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट जब आप उसको टच करोगे तो क्या होगा दोबारा से ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएंगे रिपीट द चार्जिंग ऑफ द फॉल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप आप बार बार जो करना है हमने जो एक्टिविटी की है ये क्या करना है आपको बार बार रिपीट करिए एवरी टाइम यू विल फाइंड डेट अ फॉल स्ट्रिप को लैप्स एज सोन एज यू टच द पेपर क्लिप विद अंड आप हर बार नोटिस करोगे जब जब आप पेपर क्लिप को टच कर दोगे अपने हैंड से तो जो फॉयल है ये कोलेप्स हो जाएगा मीन्स जो रिपल हो रखा था डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये नहीं होगा ये क्या हो जाएगा दोबारा साथ साथ में आ जाएगा इट मीन्स रिपल नहीं होगा उसमें वाई डज इट हैपन तो ऐसा क्यों हो रहा है तो कह रहा है द रीज़न इज दैट द फॉयल स्ट्रिप लूजेज चार्ज टू द अर्थ सर्फेस या अर्थ थ्रू योर बॉडी तो क्या कह रहा है अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है वाई डज इट हैपन तो आप क्या बोलोगे बच्चों द रीज़न इज़ दैट द फॉयल स्ट्रिप जो एल्यूमिनियम फॉल स्ट्रिप है ये अपनी चार्ज को लूज़ कर देता है टू द अर्थ कैसे थ्रू योर बॉडी हमारे बॉडी के थ्रू क्या और वो अपने चार्ज को लूज कर दे रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा तो आप यही बताएंगे कि जब भी भी हम टच कर रहे हैं किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को तो वो अपना चार्ज लूज़ कर दे रहा है कैसे टू द अर्थ थ्रू द बॉडी वी से दैट द फॉल स्ट्रिप आर डिस्चार्ज तो अब क्या हो जाएगा जो फॉल स्ट्रिप है जो चार्ज था वो अब डिस्चार्ज हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्निंग सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर कहेंगे कि अर्निंग क्या है तो आप क्या बताओगे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है ट्रांसफरिंग क्या हो रहा है ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में अगर जा रहा है जैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज इट इज़ नोन एज़ अर्थनिंग तो समझ में आ गया अर्थनिंग भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि इसका रीज़न क्या है तो आप बताओगे कि जो फॉयल है आपको क्या और रिपल नहीं कर रहा देन आप क्या बताओगे कि जब भी, भी हम टच कर रहे हैं तो चार्ज क्या और लूज हो जा रहा है और वो अर्थ पे जा रहा है तो ये दोनों चीज़ें क्या इंटरकनेक्टेड हो गई क्लियर है गाइस नेक्स्ट कह रहा है अर्थनिंग इज़ प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक इवन जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में भी क्या होता है अर्थिंग प्रोवाइडेड होते हैं क्यों सो दैट इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना रहे कम ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट अगर कोई इलेक्ट्रिक करेंट लीक हो रहा है तो क्या होता है किसी को शॉक ना लगे इस वजह से हर बिल्डिंग्स वगैरह में अर्थनिंग के लिए वायर दिया होता है नेक्स्ट इज़ फिफ्टीन पॉइंट फाइव दैट इज द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग अब लाइटनिंग की क्या स्टोरी है इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन द लाइटनिंग इन द टर्म्स ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूज बाई रबिंग तो अब हम इजली बता सकते कि लाइटनिंग क्या है कि चार्ज प्रोड्यूस्ड बाई द रबिंग रबिंग के कारण क्या हो रहा है चार्ज प्रोड्यूज हो रहा है यू हैव लर्न इन क्लास सेवन डाट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडर स्टॉम द एयर करेंट मूव अप वर्ड वाइल द वॉटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउन वर्ल्ड तो क्या हो रहा है हमने क्लास सेवन्थ में क्या पढ़ा था कि जब भी, भी क्या हो रहा है थंडर स्टॉम आ रहा है उस टाइम पे एयर करंट क्या जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है और वाटर ड्रॉपलेट कहाँ आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है डेफिनेटली बारिश होती है तो नीचे आ रहा है एयर कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है दीज विगरस मूवमेंट कॉजेज द सेपरेशन ऑफ चार्जेस तो इसके कारण क्या हो रहा है सेपरेशन ऑफ चार्जेस होने लग जाते हैं बाई अ प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड्स ये देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो रहा है अपर एंड ऑफ द क्लाउड्स में जाके कलेक्ट हो जा रहा है एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड नियर द लोअर एज और ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये कहाँ आ रहा है लोअर एंड में आके एक्यूमुलेट हो रहा है देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और कह रहा है कि उसके बाद एक क्या हो रहा है पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे नियर द ग्राउंड ऑल्सो अब ग्राउंड में भी पॉजिटिव चार्ज हो गया क्लाउड के अपर पार्ट में भी पॉजिटिव चार्ज हो गया और जो क्लाउड के जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या हो गया नेगेटिव चार्ज हो रहा है आपको चार्ज को पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि चार्ज कैसे कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है वेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम वेरी लार्ज द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट्स नो लॉन्गर एबल टू रिजिस्ट दैर फ्लो तो क्या हो रहा है जब मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है एक्ूबलेट हो रहा है कहाँ पे चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है बहुत ज़्यादा लार्ज हो जा रहा है तो क्या होगा जो एयर हमारा क्या हमें पता है जो पूवा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये रेजिस्ट नहीं कर पाता उसके फ्लो को नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस मीट नेगेटिव और क्या होता है पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं प्रोड्यूजिंग द स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड तो यही क्या प्रोड्यूस करता है स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस करता है तो अगर आपको एग्जाम में ये अगर क्वेश्चन आता है कि स्टोरी ऑफ लाइटनिंग तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कैसे बताएंगे जो क्लाउड है इसके अपर पार्ट में क्या है बच्चों पॉजिटिव चार्ज है क्लाउड के जो लोअर पार्ट है उसमें क्या एक्यूमलेट हो जा रहा है नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं और जो ग्राउंड है यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और हमें ये पता है जो एयर है वो क्या है वो आपको फ्लो नहीं कराता इलेक्ट्रिसिटी लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के कारण जब मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा हो जाता है यही लिखा हुआ है ये चीज़ वेग द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमलेटेड चार्ज बिकम वेरी लार्ज जब ये मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो एयर है जो कि नॉर्मली क्या होता है पूवा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है पर ये भी इसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर क्या होता है ये जो नेगेटिव चार्ज और ये जो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है दोनों मिल जाते हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं आपको उंड वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग और ये जो स्ट्रीक्स है इसको हम क्या देखते हैं है. शो कर रहे हैं चार्जेस लीडिंग क्लियर है गाइज द प्रोसेस इज कॉल्ड एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या फिर द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता है और रीज़न मैंने आपको दो बार एक्सप्लेन कर दिया और अगर हो सके तो बच्चों फिगर ज़रूर बनाना है भूलना नहीं है इससे आपको आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आंसर को फाइन नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन ऑक अप बिटवीन द टू और मोर क्लाउड्स अब कह रहा है ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही क्लाउड्स है जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ये हो रहा है बहुत सारे क्लाउड के बीच में इट मीन्स टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ तो अगर आपसे पूछेंगे ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ये किस किस कंडीशन में हो रहा है किन किन के बीच हो रहा है टू और मोर क्लाउड्स के बीच में बिटवीन क्लाउड्स के बीच में या फिर क्लाउड एंड अर्थ के बीच में टूडे वी नीड नाट बी फ्राइटन बाई लाइटनिंग लाइक आर एनसिस्टर डिड जैसे पहले हमारे एनसिस्टर क्या होते थे डर जाते थे पर हम ऐसा नहीं होता है ना वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना द साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग अब क्या हो रहा है हमें उसके लाइटनिंग के पीछे का जो रीज़न है ये अब हमें पता लग गया है बिकॉज साइंटिस्ट क्या काफी कर रहे हैं so इस पर काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं सो डैट हम इसे काफ़ी अच्छे से समझ सके हाउ एवर द लाइटनिंग स्ट्राइक क्लाउड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी अब लाइटनिंग क्या कॉज कर रहा है डिस्ट्रॉय कर रहा है लाइफ एंड प्रॉपर्टी इट इज़ देअो नेसेसरी टू टेक अ मेजर टू प्रोटेक्ट द सेल्फ तो हमें डेफिनेटली क्या करना चाहिए कोई ना कोई प्रोटेक्शन या कोई ना कोई मेजर्स हमें अपनाना चाहिए सोडार्ड so आप लाइटनिंग से बच सको और जो हमारी लाइफ है वो डिस्ट्रॉय ना हो सके क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है और हमें पता है कि लाइटनिंग के कारण क्या हो रहा है लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है एंड प्रॉपर्टी भी तो इसके आगे बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाइटनिंग सेफ्टी के बारे में